1826 में इन्वेंटर जोसेफ नाइसफोर ने अपने घर की बालकनी से एक फोटो ली। इस समय वह फोटो दुनिया की सबसे पुरानी फोटो है। यह फोटो एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म के थ्रू ली गई थी, जिसमें एक केमिकली ट्रीटेड प्लेट को कैमरे के अंदर रखा गया और कैमरे को बालकनी के बाहर के सीन की तरफ 2 दिन तक फोकस करके रखा गया ताकि वो फोटो कैप्चर हो पाए। लेकिन एक्चुअली ये दुनिया की सबसे पुरानी फोटो नहीं है। हमारे पास एक ऐसी फोटो है जो कि हमारे यूनिवर्स की बिगनिंग के कुछ मिलियन ईयर्स बाद की है। यह फोटो 13,400,000,000 ईयर्स पहले की है। आजकल फोटोज लेना एक आम बात बन गई है। ज्यादातर लोगों के पास एक फोन होता है और उस फोन में कैमरा होता है। लोग कहीं भी कभी भी फोटोज ले सकते हैं। इनफैक्ट अच्छी फोटोज लेने के लिए आपको एक प्रोफेशनल होना भी जरूरी नहीं है। अब फोटोज की वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं रही जितनी की पहले थी, जब ये प्रोसेस कॉम्प्लेक्स हुआ करता था। इसके बावजूद भी कभी कभी कुछ ऐसी फोटोज आती हैं जो कि बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग और बहुत वैल्यूएबल होती हैं। और हबल स्पेस टेलीस्कोप को क्रेडिट जाता है ऐसी ही कई सारी फोटोज लेने का। हबल स्पेस टेलीस्कोप को ईयर 1990 में लॉन्च किया गया था। यह सबसे पहला स्पेस टेलीस्कोप नहीं था, लेकिन यह अभी तक का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप है। अक्टूबर 21 में जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया जाएगा, तब यह दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस टेलीस्कोप बन जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि हमें आखिर स्पेस में टेलीस्कोप लॉन्च करने की क्या जरूरत पड़ रही है। अर्थ पर तो हम काफी बड़े टेलीस्कोप बना सकते हैं, लेकिन अर्थ पे जो टेलीस्कोप हैं उनके साथ जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वह है अर्थ का एटमॉस्फेयर। अर्थ का एटमॉस्फेयर कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को एक्यूरेटली मॉनिटर करने नहीं देता और उनकी शार्प इमेजेस नहीं लेने देता। अर्थ के एटमॉस्फेयर में काफी सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, जो कि दूर से आने वाली लाइट को स्कैटर कर देते हैं। और इसी के साथ साथ अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट हैं वो लाइट को बेंड कर देती हैं और एक्सरेज और गामा रेज लाइट को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो अगर हमें अर्थ के एटमॉस्फेयर से होने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचना है तो हमें स्पेस में टेलीस्कोप्स को लॉन्च करना होगा। और साइंटिस्ट ने यही किया भी। हबल स्पेस टेलीस्कोप लोअर अर्थ ऑर्बिट में है और अर्थ की सरफेस से 547 किलोमीटर ऊपर है। हबल स्पेस टेलीस्कोप प्रिसाइज मिरर्स यूज करता है लेंसेज के बजाय, जैसा कि हम कैमरास में देखते हैं। हबल स्पेस टेलीस्कोप को यूज करके हम अल्ट्रावायलेट से नियर इंफ्रारेड तक ऑलमोस्ट सब कुछ ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। लाइट के इतने बड़े स्पेक्ट्रम को कवर करने की वजह से हबल स्पेस टेलीस्कोप का प्राइमरी मिरर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। जब लॉन्च होने के बाद हबल ने अपनी पहली इमेजेस अर्थ पर सेंड करी तो साइंटिस्ट शॉक्ड रह गए। लगभग $7 बिलियन के खर्च से बना यह स्पेस टेलीस्कोप ब्लरी इमेजेस ले रहा था। मेन मिरर की पॉलिशिंग में कुछ इररेगुलरिटीज थी, जिसकी वजह से हबल द्वारा ली गई इमेजेस शार्प नहीं थी। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में साइंटिस्ट को लगभग 3 साल लग गए। लेकिन इसके बाद हबल ने स्पेस की हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया अपनी शार्प इमेजेस के थ्रू। लास्ट 27 इयर्स में हबल ने मिलियंस ऑफ इमेजेस ली हैं। यह इमेजेस हमें स्पेस और कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स को ज्यादा अच्छी तरह से समझने का मौका देती हैं। हम जानते हैं कि हमारे यूनिवर्स बिग बैंग के बाद से ही एक्सपैंड कर रहा है। जब किसी डिस्टेंट लाइट सोर्स की लाइट ऑब्जर्वर तक पहुंचती है तो इस लंबी जर्नी में वह लाइट धीरे धीरे अपनी एनर्जी लूज करके लार्जर वेवलेंथ या बिगर वेवलेंथ की लाइट में कन्वर्ट हो जाती है। इस फिनोमिना को रेड शिफ्ट कहते हैं। और जो ऑब्जेक्ट जितना ज्यादा दूरी पर होगा ऑब्जर्वर से, उसकी लाइट उतनी ही ज्यादा रेड शिफ्ट होगी। हबल स्पेस टेलीस्कोप का एक बड़ा एम था उन गैलेक्सीज की इमेजेस को कैप्चर करना जो कि हमसे बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है। और 2016 में हबल को ऐसा करने में कामयाबी भी मिल गई। 2016 में साइंटिस्ट ने स्पॉट की गैलेक्सी GN Z11, जो कि उर्सा मेजर कॉन्स्टेलेशन की डायरेक्शन में है। इस गैलेक्सी की लाइट बहुत ज्यादा रेड शिफ्टेड थी और कैलकुलेशन से पता चला कि यह गैलेक्सी हमसे 32 बिलियन लाइट ईयर्स दूर है। लेकिन जब हम स्पेस में ज्यादा डिस्टेंस पर देखते हैं तब उसी समय हम टाइम में पीछे भी देखते हैं, क्योंकि
ज्यादा डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स की लाइट को हम तक पहुंचने में काफी टाइम भी लगता है। तो इस गैलेक्सी की फोटो जो हबल ने 2016 में ली है, वह एक्चुअली यह गैलेक्सी 13.4 बिलियन ईयर्स पहले कैसे दिखती थी उसकी है। 13.4 बिलियन ईयर्स लगे हैं लाइट को इस गैलेक्सी से हमारे हबल स्पेस टेलीस्कोप तक पहुंचने में। हमारा यूनिवर्स लगभग 13.9 बिलियन ईयर्स पहले बिग बैंग के साथ बना था और यह गैलेक्सी यूनिवर्स की बिगिनिंग के मात्र 500 मिलियन ईयर बाद बनी थी। हम लकी हैं कि इस गैलेक्सी की इमेज को कैप्चर कर पाए। यह गैलेक्सी ऑलमोस्ट उस एज पर है जहां तक हबल स्पेस टेलीस्कोप देख सकता है और यह गैलेक्सी स्पेस के उस रीजन में है जो कि रीआयनाइज्ड है, जिसकी वजह से इस गैलेक्सी की क्लियर इमेज हमें मिल पाई। इसी के साथ साथ इस गैलेक्सी की लाइट एक दूसरी गैलेक्सी से पास हुई जिसने इसे ग्रेविटेशनली लेंस कर दिया और हबल ने इसकी इमेज ले ली। हबल और बाकी टेलीस्कोप ने और कई सारे कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स की इमेजेस ली हैं जो कि बिलियंस ऑफ इयर्स ओल्ड हैं, लेकिन कोई भी इस गैलेक्सी GN Z11 जितना ओल्ड नहीं है। अक्टूबर 21 में जब जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया जाएगा तो उम्मीद यह है कि हम स्पेस में और ज्यादा डिस्टेंस पर देख पाएंगे और यह भी पॉसिबिलिटी है कि बिग बैंग के बाद जो सबसे पहली बार लाइट प्रोड्यूस हुई थी हम उस मोमेंट को भी कैप्चर कर पाए। सो कीप ऑन लुकिंग एट द स्टार्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे क्यूरियस।